जब वो इस दुनिया के शोर और खामोशी से कत्ता ताल्लुक होकर इंग्लिश में गुस्सा करती है, मैं तो डर जाता हूँ, लेकिन कमरे की दीवारें हंसने लगती हैं। वो एक ऐसी आग है जिसको सिर्फ दहकने से मतलब है। वो एक ऐसा फूल है जिस पर अपनी खुशबू बोझ बनी है। वो एक ऐसा ख्वाब है जिसको देखने वाला खुद मुश्किल में पड़ सकता है। उसको छूने की ख्वाहिश तो ठीक है, लेकिन पानी कौन पकड़ सकता है। वो रंगों से वाकिफ है, बल्कि हर एक रंग के शजरे तक से वाकिफ है। हमने जिनको नफ़रत से मंसूब किया, वो उन पीले फूलों की इज्जत करती है। कभी कभी वो अपने हाथ में पेंसिल लेकर ऐसी सतरें खींचती है, सब कुछ सीधा हो जाता है। वो चाहे तो हर एक चीज़ को उसके असल में ला सकती है। सिर्फ उसी के हाथों से दुनिया तरतीब में आ सकती है। हर पत्थर उस पांव से टकराने की ख्वाहिश में जिंदा, लेकिन ये तो इसी अधूरेपन का जहां है। हर पिंजरे में ऐसे कैदी कब होते हैं, हर कपड़े की किस्मत में वो जिस्म कहां है। मेरी बेमकसद बातों से तंग भी आ जाती है तो महसूस नहीं होने देती, लेकिन अपने होने से उकता जाती है। उसको वक्त की पाबंदी से क्या मतलब है, वो तो बंद घड़ी भी हाथ में बांध के कॉलेज आ जाती है।